स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम मैथ के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है राइट द फ्लोविंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों, हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जिनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखते हैं बच्चों कि इस सम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहला है बच्चों 4000, नेक्स्ट है बच्चों 0007, नेक्स्ट है बच्चों 005, उसके बाद कितने बच्चों 0, और उसके बाद कितने बच्चों 8। प्यारे बच्चों, इसको हम ऐड करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को निकाल सकते हैं। 8000, तो कितना जाएगा बच्चों 8। अब इस प्लेस के अंदर कोई डिजिट नहीं है बच्चों, तो हम एज इट इज़ 0 को लिख सकते हैं। जब 5 के अंदर हम 0 को ऐड करते हैं तो कितना जाता है बच्चों 5, और 7 के हमने जब हमने 0 को ऐड किया तो आंसर कितना आ जाएगा 7, और 4 के नीचे कोई डिजिट नहीं है बच्चों, तो 4 का 4। तो प्यारे बच्चों, यह इस सम की क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, इसको हम इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं 4, 7, 5, 0, 8। नेक्स्ट समय बच्चों 6000, नेक्स्ट बच्चों 0007, नेक्स्ट बच्चों 0, और नेक्स्ट कितना है बच्चों 01, और नेक्स्ट है 9। प्यारे बच्चों, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं। 9 + 0 + 0 + 0 कितना जाएगा बच्चों 9, क्योंकि 0 के बच्चों जो किसी भी डिजिट के अंदर जब हम 0 को कितनी बार ही ऐड कर लें तो उसका आंसर वही आता है। 1 के अंदर जब हम 0 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 1, और इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, और जब हम 7 के अंदर 1 टाइम 0 ऐड करते हैं तो बच्चों उसका आंसर कितना आ जाएगा 7, और इसके कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो बच्चों, यह इस सम की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं 7, 6, 7, 0, 1, 9। नेक्स्ट समय बच्चों 3 × 10,000, 4 × 1,000, 3 × 100, 2 × 10, 3 × 1। प्यारे बच्चों, इन सब को हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों, जब हम 3 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 30,000। जब हम बच्चों 4 को 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4,000। जब हम बच्चों 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 300। जब हम बच्चों 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 20। जब हम बच्चों 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3। और इन सबको क्या करना है बच्चों, ऐड। तो कर लेते हैं 3 + 0 + 0 + 0 + 0 कितना आ जाएगा 3, 2 + 0 + 0 + 0 कितना आ जाएगा 2, 3 + 0 + 0 कितना आ जाएगा बच्चों 3, 4 + 0 = 4, और 3 का 3। तो ये क्या जाएगा बच्चों, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस फॉर्म को हम इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं 3, 4, 3, 2, 3। नेक्स्ट सम है बच्चों 2 lakh + 5 10,000 + 3,000 + 200 + 3 tens + 0 ones। प्यारे बच्चों, हमें इनकी फॉर्म के अंदर लिख करके इनको पहले नंबर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, फिर इसे बॉक्स के अंदर इस संख्या को फिलअप करना है। तो प्यारे बच्चों, 2 lakh, 2 lakh कैसे लिखते हैं, 2 lakh, ठीक है बच्चों, कितना हो गया बच्चों ये 2 lakh। नेक्स्ट कितना है बच्चों 5, 10,000, 5, 10,000, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 3,000, 3,000,
थाउजेंड। नेक्स्ट है बच्चों 200। नेक्स्ट है बच्चों 3 टेंस, 3 टेंस। और लास्ट में क्या है बच्चों 0 वंस। इन सबको ऐड कर लेते हैं बच्चों, 0 0 0 0 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 प्लस 0 3, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0। तो प्यारे बच्चों इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 5 3 2 3 0। प्यारे बच्चों आज की एक्सरसाइज 4 राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको उम्मीद है कि आपको यह एक्सरसाइज समझ में आई है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।